वेलकम टू माई चैनल ज्ञान विद मुस्कान। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट सीरीज वीडियो नंबर 2। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है प्रेसिडेंट सीरीज का। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो आज हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। सो गाइस, अब हम वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि सर्वपल्ली का बॉर्न और उनकी अर्ली लाइफ क्या थी। सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बॉर्न 5 सितंबर 1888 को इनका बॉर्न हुआ था। एंड ये इंडियन फिलोसोफर थे, एकेडेमिक थे एंड स्टेट्समैन थे। एंड उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के। 1952 से 1962 तक ये वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के रहे। एंड उसके बाद सेकेंड प्रेसिडेंट बने इंडिया के। 1962 से 1967 तक ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। एंड इनके फादर का नेम था सर्वपल्ली वीरास्वामी एंड इनकी मदर का नेम था सीता अम्मा। इन्होंने अपने अर्ली ईयर्स स्पेंड करे थे तिरुपति में। एंड इनके जो फादर थे वो एक सबऑर्डिनेट रिवेन्यू ऑफिशियल, लोकल जमींदार, लोकल लैंडलॉर्ड थे। एंड इन्होंने 1896 में इन्होंने हरमन बर्ग इवेंगेलिकल ल्यूथरन मिशन जो स्कूल थी वहाँ पे गए और इन्होंने अपनी स्टडीज़ करी। एंड उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में वलजीपेट में जो आई है वहाँ पे भी ये गए थे। सो गाइस, ये हो गए इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। सो गाइस, अब इनके एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो सर्वपल्ली जो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे, स्कॉलरशिप्स मिली थी और उनकी जो लाइफ थी वो एकेडमिक लाइफ थी। एंड उसके बाद इन्होंने ज्वाइन करी वुरहिस कॉलेज जो विलोर में आई है। इन्होंने वहाँ पे अपना एडुकेशन करा। एंड उसके बाद इन्होंने एफए फर्स्ट ऑफ आर्ट्स इन्होंने क्लास करी। एंड उसके बाद इन्होंने ज्वाइन करा मद्रास कॉलेज। इन्होंने अपनी एज 17 में इन्होंने मद्रास कॉलेज ज्वाइन किया। एंड उसके बाद ये ग्रेजुएट हुए 1996 में। एंड उसके बाद इन्होंने फिनिश करी अपनी मास्टर्स एंड वही सेम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में इन्होंने बीए और एमए कंप्लीट करी। सो गाइस, ये हो गया इनके एडुकेशन के बारे में। सो गाइस, अब हम इनके कैरियर के बारे में जान लेते हैं, इनके कैरियर क्या था। अप्रैल में इनको 1909 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपॉइंट किया था डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी में। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने अपॉइंट करा था। एंड उसके बाद 1980 में सिलेक्ट हो गए थे प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी में। 1980 में सिलेक्ट हो गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में ये सिलेक्ट हो गए थे। एंड उसके बाद ये इनको रिप्रेजेंट इन्होंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता पे, जहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। एंड उसके बाद इन्होंने जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, वो जून 1926 को इन्होंने अपॉइंट किया था। एंड उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये गए थे सितंबर 26 को। एंड 1937 को इनको नॉमिनेटेड किया था नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए। सो गाइस, ये हो गया इनके कैरियर के बारे में। सो गाइस, अब हम इनकी बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी जो मदर थी उनका नाम था सर्वपल्ली सीताम्मा। एंड इनके जो फादर थे उनका नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी। एंड इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था शिवा कामू। एंड इनके चिल्ड्रेन थे 5 डॉटर और 1 इनका सन था। सो गाइस, ये हो गई इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सो गाइस, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, बट प्लीज़ गाइस इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको अपने टीचर का, अपने जो टीचर का इम्पोर्टेंस होता है वो आपको समझ में आएगा। एक बार जो ये जो राधाकृष्णन थे वो स्कूल में पढ़ाने जाते थे, जो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में पढ़ाने जाते थे। इनको प्रोफेसर बनाया था जब फिलोसफी का, तभी पढ़ाने जाया करते थे। तो वहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे वो इतने वहाँ पे सबके फेवरेट थे, इतने फेवरेट थे कि जब ये स्टडी करवाया करते थे तब जो स्टूडेंट्स थे ना वो नॉन स्टॉप ही पहले इंग्लिश ही बोला करते थे, क्योंकि फिलोसफी के टीचर थे, नॉन स्टॉप इंग्लिश ही बोला करते थे ये। तो भी जो स्टूडेंट्स थे उनकी पलक तक नहीं झपकती थी, इनको ही देखते रहते थे। और जो अगले क्लास के जो बच्चे भी होते थे वो भी इनकी क्लास में आके बैठ जाते थे, क्योंकि इनकी क्लास में इतना मज़ा आया करता था, इनकी क्लास में बोर भी नहीं हुआ करते थे और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आया करते था। इनकी जो पैटर्न थी सिखाने की बहुत अच्छी थी। फिर एक्चुअली में क्या हुआ, इनके लिए लेटर आ गया, ये चूँकि ये प्रोफेसर इनको जाना था,
तो फिर लेटर आ गया तो सारे बच्चों ने बहुत कोशिश करी कि इनके जो सर इनके फेवरेट थे तो कोशिश तो करेंगे कि सर ना जाए, बट एक्चुअली में क्या हुआ उनकी बात नहीं चल पाई। राधे कृष्णन को फिर जाना ही पड़ा वहाँ पे। फिर उसके बाद जो इनके जो स्टूडेंट्स थे वो इतने अच्छे थे, इन्होंने एक व्हीकल बनाया जिसको वो खींचते खींचते स्टेशन तक ले गए, इतने प्यार करते थे वो इनसे। उसके बाद इन्होंने अपना जो दुख होता है वो लास्ट में इन्होंने अपना उनके साथ दुख बहुत रोए, फिर बहुत दुख तो हो गए खैर क्योंकि इनके फेवरेट टीचर थे। तो ये थी इनकी कहानी, कितने महान टीचर थे, कितनी अच्छी तरह सिखाया करते थे कि जो स्टूडेंट्स थे कि उनकी पलक तक नहीं झपकती थी। सोचिए आप, इमेजिन करके देख सकते हैं। एक और छोटी सी स्टोरी है, एक बार इनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने सोचा कि इनका 5 सितंबर 1888 को इनका बर्थडे था जो मैंने आपको बताया, तो स्टूडेंट्स ने सोचा कि इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट इतने महान जो टीचर थे इन्होंने कहा नहीं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो, इसकी जगह टीचर्स डे मनाया करो, तभी से आज हम टीचर्स डे मनाया करते हैं। सो ये थी सर फ्रेंड्स सर्वपल्ली की राधे कृष्ण की कहानी। सो फ्रेंड्स अब हम इनकी डेथ की बात कर लेते हैं। इनकी डेथ हुई थी 17 अप्रैल 1975 को इनकी डेथ हो गई थी, बहुत दुख की बात थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, हमारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें जल्द से जल्द, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सो ओके फ्रेंड्स, बाय।